दोस्तों आईपीएल की 5-5 ट्रॉफी जीतने वाले दो महान कप्तान रोहित शर्मा और एमएस धोनी को आप भी अगर एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा सहित 5 धाकड़ खिलाड़ियों की चेन्नई की टीम में एंट्री कराते हुए आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई की फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। चेन्नई की टीम एक बार फिर से आईपीएल 2025 के सीजन में हाहाकार मचाने के लिए तैयार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आखिरकार दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई की टीम में रोहित शर्मा सहित किन 4 धाकड़ खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 में एंट्री करवाई है। किस तरह से धोनी ने आईपीएल 2025 की ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए नई रणनीति के तहत टीम को तैयार किया है, सारी जानकारी आपको हम विस्तार से आगे बताने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आप सभी वीडियो को अभी तक पूरा देखिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईपीएल के इतिहास की 2 सबसे सफल टीमें मुंबई और चेन्नई आईपीएल 2024 के इस सीजन में प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाई। चेन्नई का परफॉर्मेंस तो थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन मुंबई की टीम एकदम बेकार तरीके से पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे बनी रही। शायद एक वजह ये भी थी कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच चल रहे विवादों की वजह से मुंबई टीम का ये हाल हुआ। आपको बता दे आईपीएल 2025 के लिए मेगा ऑक्शन होगा, यानी कि सभी खिलाड़ियों की नीलामी होगी, जिससे कई सारे दिग्गज खिलाड़ियों का फेर बदल होना तय है। एक बात तो आप सभी को पता है कि मुंबई इंडियंस ने इस बार के आईपीएल सीजन में रोहित शर्मा को बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया है। मुंबई की टीम ने रोहित शर्मा की बहुत भारी बेइज्जती करी, जिसके बाद अब रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस से अपना नाता तोड़ लिया है और दूसरी टीम के खेमे में शामिल होने का प्लान बना लिया है। ऐसे में मास्टरमाइंड महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। एमएस धोनी ने एक बड़ी चाल चलते हुए रोहित शर्मा को न सिर्फ अपनी टीम में ही शामिल किया बल्कि टीम का कप्तान भी नियुक्त कर दिया है। तो ऐसे में रोहित शर्मा की टीम में आ जाने पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब और भी ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो गई है। तो आइए दोस्तों अब आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 के बारे में जान लेते हैं। आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा सहित और किन 4 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कराया है, चेन्नई टीम ने कौन सी नई रणनीति तैयार कर ली है, सब कुछ आपको विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। अब चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए 2 विस्फोटक खिलाड़ी रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में उतरेंगे। रोहित शर्मा के आ जाने से अब कप्तानी ऋतुराज को नहीं दी गई है, बल्कि कप्तानी अब रोहित शर्मा करेंगे, जो कि सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं बल्लेबाजी में, तो उनसे बेहतर कोई और ओपनर बल्लेबाज है ही नहीं। ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट के सबसे बेस्ट खिलाड़ी है। आईपीएल 2024 के इस सीजन में उनके बल्ले से काफी रन निकले थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 फॉर्मेट में 4000 से अधिक रन बना चुके हैं और 5 सेंचुरी मार चुके हैं। रोहित शर्मा पावरप्ले के दौरान अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं, पावरप्ले अगर खेल गए तो फिर सामने वाली टीम की खैर नहीं, जबकि उनके जोड़ीदार ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ भी अपने बल्ले से काफी कमाल का प्रदर्शन दिखाया है। ये सीजन उनके लिए काफी बेहतरीन गया था, 400 से अधिक रन बनाए थे। ऋतुराज गायकवाड़ भी शुरुआती ओवर से ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी मोइन अली को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। इंग्लैंड का ये ऑलराउंडर खिलाड़ी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करता है, लेकिन आईपीएल 2024 के सीजन में ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला था। जिन मैचों में मौका भी मिला उसमें उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि मोइन अली कितने खतरनाक खिलाड़ी है, वह कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं, चेन्नई के लिए टॉप ऑर्डर के सबसे अच्छे बैट्समैन हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 पर लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी शिवम दुबे को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। आईपीएल 2024 का सीजन उनके लिए काफी बेहतरीन था, शुरुआती लगातार कई मुकाबले में उनके बल्ले से लंबे लंबे छक्के देखने को मिलते रहे। T20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा बनाया गया। शिवम दुबे चेन्नई के सबसे होनहार खिलाड़ी है, मिडिल ऑर्डर में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे। इसके बाद दोस्तों नंबर 5 पर महेंद्र सिंह धोनी स्वयं बल्लेबाजी करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है कि एमएस धोनी आईपीएल 2025 के सीजन में नहीं खेलेंगे।
उन्होंने आरसीबी के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला खेला है, लेकिन एमएस धोनी के बयान से ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि धोनी रिटायर होंगे। अगर धोनी खेलते हैं तो वह विकेट कीपर के तौर पर टीम को संभालेंगे, नहीं तो फिर उनके स्थान पर किसी और विकेट कीपर बल्लेबाज को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। छठे नंबर पर ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। स्टोक्स इससे पहले भी चेन्नई की टीम से खेल चुके हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन तब उतना अच्छा नहीं था। लेकिन हम सभी जानते हैं बेन स्टोक्स एक मैच विन खिलाड़ी है। इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए उन्हें बहुत सारा प्यार मिला है। ऐसे में धोनी ने नई रणनीति के तहत स्टोक्स को आईपीएल 2025 के लिए शामिल कर लिया है। इसके बाद दोस्तों सातवें नंबर पर ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। जडेजा 3D खिलाड़ी है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों माध्यम से अपना 100% योगदान करते हैं। 4 ओवर की गेंदबाजी से सामने वाली टीम के परखच्चे उड़ा देते हैं। लोअर ऑर्डर में आकर जडेजा काफी कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। जडेजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी है, स्पिन गेंदबाजी इतनी खतरनाक तरीके से करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं, जबकि उनके साथ स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी मिचेल सेंटनर संभालेंगे जो कि न्यूजीलैंड के काफी खतरनाक स्पिनर गेंदबाज हैं। तो वहीं पर दोस्तों चेन्नई टीम की पेश गेंदबाजी अटैक के बारे में आपको बताएं तो चेन्नई की तरफ से तुषार देशपांडे, मथीशा पाथिराना और दीपक चाहर को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पाथिराना का प्रदर्शन आईपीएल 2024 के सीजन में बहुत ही बेहतरीन था। डुप्लीकेट मलिंगा के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी पाथिराना चेन्नई के लिए सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज है। इनकी यॉर्कर गेंदबाजी इतनी खतरनाक होती है कोई भी टीम घुटने टेक देती है। जबकि दोस्तों रही बात देशपांडे और दीपक चाहर, ये दोनों भी खिलाड़ी मध्यम गति के गेंदबाज हैं। अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से बल्लेबाज को आसानी से फंसा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स टीम की फाइनल प्लेइंग 11। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी को इस प्लेइंग 11 में और किन किन खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए था? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपका सपोर्ट लगातार मिलता रहे।